उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया पॉल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जोशीमठ में जो त्राहिमाम मचा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इतनी बड़ी आपदा की स्थिति में हम पहुंच गए हैं और सरकार सोई हुई है, ये दुख की बात है। इसे प्रधानमंत्री जी को अब तक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उनका तो पुराना रिश्ता वो बताते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान बाद में लिया, प्रधानमंत्री ने संज्ञान पहले लिया, ये दुर्भाग्य है। उत्तराखंड राज्य का देवभूमि है, हम वहाँ पे जो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था वो फट चुका है, ज्योतिर्मठ में क्रैक्स आ चुके हैं, उनको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है ये सरकार को बताना होगा, एक्सपर्ट्स को लाना होगा, नेशनल इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स आप ला सकते हैं लाइए। वहाँ पे जो विकास के नाम पे आप कार्य कर रहे हैं, जो विस्फोटकों का यूज़ करके अनियंत्रित विकास कर रहे हैं, उसको बंद करना होगा और दोबारा से रिव्यू करना होगा, क्योंकि विकास के खिलाफ कोई नहीं है, सब विकास चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण से सामंजस्य बैठा कर करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो ऐसी त्रासदी को इन्विटेशन दे रहे हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और वही हम देख रहे हैं। मैम, और आपने वहाँ की जो जैव विविधता है उसकी हत्या की बात की है प्रेस वार्ता में। जी देखिए, वहाँ पे जैव विविधता इतनी है कि अगर मैं आपको पौराणिक काल में ले जाऊँ तो वहीं पे उसी के पास है द्रोणागिरी, जहाँ पर हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए। वहाँ पे बहुत तरह के हर्ब्स है जो आम तौर पर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, वहाँ स्थानीय लोगों को पता होता है सबके बारे में। और अगर हम उस जैव विविधता को ख़त्म कर देंगे तो ये हत्या होगी उस धरोहर की, जो हमें मिला है और जिसको हमने बड़ी किस्मत से पाया है इस धरती पे पैदा होकर। अगर वो हमारे देश में है तो ये हमारी किस्मत है, मगर उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप प्रकृति के साथ बहुत गलत खेल खेल रहे हैं, क्योंकि पूरी फूड चेन, फूड वेब सब में गड़बड़ हो जाता है। मैम, और क्या NTPC जो है वो मेन मुसीबत का जड़ है जो जोशीमठ में हो रहा है? देखिए, NTPC के टनल में विस्फोट हो रहे थे, इसकी वजह से स्थानीय लोगों का ये मानना है, क्योंकि उन्होंने 3 जनवरी को देखा कि जब विस्फोट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि एक टनल बोरिंग मशीन वहाँ फंस गई थी, उसे निकालने की कोशिश करी जा रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, और अचानक से जो दरारें हैं वो एकदम बढ़ के आ रही थी। जैसे ही लोगों ने आंदोलन किया, उसे रुकवाया, तो वो रुका भी, वो थोड़ा सा धीरे हो गया, लेकिन दरार एक बार शुरू हो गई वो तो बढ़ेगी, तो इस वजह से लोगों का यह मानना है। मगर कमाल देखिए, उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारी हैं वो इनको पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं, नो इन्वेस्टिगेशन, नो जांच, और कह रहे हैं जी नहीं नहीं इसका कारण ये नहीं है। एक आखिरी सवाल की जो एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो नैनीताल है उत्तरकाशी में, उसमें भी लैंडस्लाइडिंग के जो है उसकी बात की जा रही है। जी देखिए, उत्तरकाशी में 1991 में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था, और ये सारे जोन्स जो हैं ये लैंडस्लाइड्स पर ही लोकेटेड है, ये बहुत कमज़ोर पहाड़ है, ये इनको कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालय की पहाड़ियों को, तो ये एल्प्स की तरह नहीं है, ये एंडीज की तरह नहीं है कि जो पक्के पहाड़ हैं उनके अंदर से आप टनल बना दो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनके अंदर टनल बना दो, टनल बनाने का मतलब है आज नहीं तो कल ये पहाड़ कमज़ोर होते चले जाएंगे, और किसी ना किसी दिन कोई बहुत बड़ी आपदा आ सकती है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। दिल्ली से कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं श्रुति, खबर टुडे न्यूज़।